ये है टेक्नो गेमर का हाउस बच्चे हो गए भाई। तो गाइस ऐसे कपड़े उतारे उन्होंने से जंप ऑल राइट गाइस बोल के ये मारी जंप ओ तेरी और यही है उनका घर 588 भाई। अच्छा तो ये भरेगा आ जाओ मेरे पे तो घर क्या ये उनके घर का एंट्रेंस है। हम लोग यहाँ से उनके घर में जा सकते हैं गाइस। उसके लिए गेट खोल रहा हूँ जो मेरे साथ रहेगा क्योंकि हम लोग एसासन फैमिली के मेंबर हैं। गीगा निगा और रवि भाई के लिए रहने के लिए उन्होंने अपना गेमिंग रूम दिया था। अब है गाइस टेक्नो गेमर का हाउस है। बढ़िया कमरा है भाई। गेमिंग रूम पे जहाँ पे टेक्नो गेमर का गेमिंग रूम है वहाँ पे गीगा निगा और रवि भाई के लिए वहाँ पे रहने का सिस्टम बनाया था। सबसे ये है उनका गेमिंग रूम। साइड में जमीन पे अपना दरी बिछा और सो जाओ। अरे भाई एक मिनट, मेरा पीसी, ये मेरा पीसी है, तुम्हें नीचे दरी बिछा के सोने के लिए दिया कमरा। तो GTA 5 की सीरीज का एक न्यू एपिसोड आने वाला है टेक्नो गेमर का क्योंकि हमारी बातचीत हो चुकी है टेक्नो गेमर के साथ। ऑल राइट गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागतम ग्रैंड आरपी की सेकंड वीडियो में। तो डे 2 है हमारा। आज हम लोग टेक्नो गेमर के घर पे जाने वाले हैं, मतलब की होम पे जो की है ग्रैंड आरपी में, और जाएंगे अपने एसासिन के होम में जहाँ पे हमको वहाँ पे गाड़ियां उठानी है क्योंकि मुझे एक आधी गाड़ी तो चाहिए क्योंकि स्कूटर भाई रेंट पे होते हैं और रेंट ज्यादा देर का होता नहीं है और पैसा जेब से 2 मिनट के लिए निकल रहा है। और गलती से मैंने टैक्सी ले ली और टैक्सी वाले ने साले डिस्टिनेशन पर पहुंचाया, छोड़ो घंटा नहीं पहुंचाया, और उसके सामने लाके घुमाया भाई बहुत दूर। मैंने भाई, मेरे को तब पता नहीं था कि इसके पैसे कटते रहते गाड़ी में बैठते अपने आप ही। उसने मुझे 5 मिनट घुमाया पूरी सिटी में, मेरे पैसे सब कट गए। अब जब पैसे जीरो हो गए और वो साला निकाल के मुझे भाग गया और बाद में पता चला कि भाई पैसे ऑटोमेटिकली तुम्हारे कटते जाएंगे जब तक तुम उसके टैक्सी में बैठे हुए। तो वैन ये याद रखना है मुझे। और वैन आप लोग देख सकते हो $36 है मेरे हाथ में हैंड टू हैंड भाई, वो सब टैक्सी में उड़ा दिया मैंने और बैठ के सिस्टम बना दिया पूरा। और 7400 भाई मुझे बैंक में मेरे पड़े हैं और एक गैंग मैंने पहले अलग सी ज्वाइन करी थी, उस बंदे ने मुझे दे दिए थे $10,000। और लिटरली गाइस उस गैंग को लीव करके मैंने असासन में आया और भाई वो बंदा मुझसे पीछे पूछ रहा, कह रहा भैंस की टांग तूने गैंग को लीव कैसे कर दिया ब्रो, तूने क्यों किया लीव, मैंने तुझे पैसा दिया था भाई, मैं आई गिव यू मनी। मैंने क्या किया बताएं, फिर मैंने वहां से उसने 10,000 दिए थे, 5,000 उसको वापस कर दिए और पता नहीं वो बंदा फिर चले गया। मैंने कहा बढ़िया भाई, हैंड टू हैंड पैसा लो भाई। चलो चलते हैं हम लोग होटल से बाहर और निकलते हैं और टेक्नो गेमर के होम पे चलते हैं और देखते हैं टेक्नो गेमर का क्या इस गेम में इस टाइम खेल रहे हैं या होम में होंगे। अब उनका होम में चलते हैं सबसे पहले, जहां सब कुछ पता चल जाएगा। लॉबी एग्जिट करते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा काम के जाना। और ये है ब्लैड ब्रो भाई। हेलो हेलो ब्रो, क्या हालचाल, आवाज आ रही है? हेलो ब्रो, तो लगता है बंदे गेम स्टार्ट करके यहाँ। हेलो ब्रो, मैं क्या बता रही है, सिटी में पहली बार आयो, सिटी में नहीं नहीं मैं तो, मेरी एज तो 4 है। अच्छा, तो कौन सी गैंग में हो? मैं हूँ असैसिनेशन असैसिन, ऐसी कुछ असैसिन। हाँ असैसिन, मैं भी उसी में भाई। उनका उनका बेस कहाँ पे? मतलब फैमिली हाउस। हाँ फैमिली हाउस यार, गाड़ी कुछ मिलेगी कि नहीं? हेलो ब्रो, हाँ मेरे साथ चलो, गाड़ी दिलवाता हूँ मैं। चलो। तो गाइस हमको गाड़ी मिलेगी असासिन के घर जाने वाले हैं, मतलब कि फैमिली हाउस जहाँ पे हमको गाड़ी वगैरह मिल। भाई कौन सी है तुम्हारी? स्कूटर। हेलो भाई, स्कूटर रेंट करना है? व्हाट्स अप? हाँ भाई, मेरे भी बैठ जाओ भाई। क्या तुमने भी गाड़ी नहीं ली क्या? हाँ ली है, उसके लिए उसको लेने चलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है ओके। ये बंदा भी तुम्हारे साथ ही है पीछे जो हमारे आ रहा है? नहीं, मैं तो अकेला हूँ, ये पता नहीं कौन है। ठीक है, पहले पार्किंग से मेरी गाड़ी उठाते हैं फिर चलते हैं फैमिली हाउस। ठीक, ओके। तो सबसे पहले चलते हैं असासिन फैमिली हाउस जहाँ पे हमको गाड़ी मिल जाएगी कुछ ना कुछ। और ये बंदा भाई हमारा बन गया अच्छा वाला दोस्त। रुको, और भाई हेलो ब्रो, हाँ बोलो, कहाँ से हो तुम? जैसे लोकेशन अपनी, मैं तो पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब से हो। तुम कहाँ से? पंजाबी हो। पंजाबी दोस्त मिल चुका है इस गेम। तो चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी यार, थोड़ा स्लो ही चल रहा। अच्छा
मैं नमी गाड़ी खड़ी थी उन्होंने पार्किंग चले जाना पड़ा। अच्छा मैं नमी पहले खड़ी थी उन्होंने 12 घंटे लगे थे आगे हो गए। तो टेक्नो टुकनो भी अच्छी खेड था लगता टेक्नो टेक्नो जानते हो टेक्नो टेक्नो गेम हाँ वो भी अच्छी है ओके भाई सब हम लोगों को एक बंदा मिल चुका है जिसकी एक गाड़ी है बढ़िया वाली। कौन सी है? हेलो ब्रो कौन वाली है कौन सी है? हाय दो मिनट भाई ने कहा है 2 मिनट रुकते हैं भाई क्या कर रहे हो भाई? वो भी पंजाबी हम भी पंजाबी सिस्टम बन गया भाई मुझे भाई एक्स ओ ये क्या है? ओ भाई क्या गाड़ी है ब्रो। हेलो ब्रो हेलो हेलो बात तो सुनो। चलो भाई वो मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गया था जाके सिस्टम नहीं करना है भाई थोड़ा समझदारी भाई थोड़ा प्रो बनना है मैं प्रो नहीं बनता मैं सिस्टम बना यार। चलो ब्रो चलो भाई जैसे मैं बोल लिया तो पीछे पीछे मेरी खुद की आवाज़ फिर से आ रही है। ये कोई ना टेक्निकल इशू हो ना इधर एक शॉर्टकट बटन सिखा वो हमको नहीं चेता नहीं जल्दी ही गेम रिस्टार्ट करनी है तो ठीक हो जाना। नहीं रिस्टार्ट तो मैं की थी मैं तो बहुत चलो कोई ना सिस्टम बन जाएगा। जब मैं ड्राइविंग करते जब बोलूंगा ना कार खुल जानी है मैं बस बाजू बोलता क्योंकि नाले का बटन प्रेस करना बिंदा ओके ओके। तो गाइस हमको एक बंदा मिल चुका है जो कि उसने कहा है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ बीच में ज़्यादा मत अपना ज्ञान पेलो तो थोड़ा आराम से बैठा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं पेलता हूँ मैं आराम से बैठा हूँ। तो भाई बंदा जो हमें मिला है बढ़िया मिला है मेहनती है भाई उसने ये कैनिस की कैंपर उठाई है भाई पता नहीं क्या कह रही था 12 घंटे खेल के हम कहाँ 12 घंटे 12 घंटे खेल के भाई ने ये उठाई है कैनिस। भाई आज मुझे ये पहले तो मैं शासन से गाड़ी उठाऊँगा इस बंदे के साथ चलेंगे टेक्नो का हाउस मुझे चेक करना है शायद वहाँ पे मिल जाए। और टेक भाई तुम रॉब भी कर सकते हो चुरा भी सकते हो सामान वगैरह उसके घर से बट ऐसे बंदे हम तो है ही ना भाई तुम समझ रहे हो जेल ये भी याद रखना होता है कि इस गेम में जेल है तुम्हें जेल में 2 मिनट में डाल देंगे तुमको खुद को पता नहीं चलेगा। बंदा बढ़िया मिल गया और कोई एक बार बात कर लूँ भाई अभी नहीं बात करूँ जब गाड़ी चला लेकिन मैं इनसे टाइम पूछ लूँगा ये कितने कैसे कितने बजे खेलता बैठा है। मैं इस टाइम मैं खेल रहा हूँ शाम को तो मेरे सबसे शाम को बंदा खेलता होगा। ये बंदा बढ़िया मिल गया मुझे तो इसके साथ खेलेंगे तो हमको नॉलेज हो जाएगी गेम की जो ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज जब मिल जाएगी ना तो अकेले ही प्रूव ये तो अकेले बहुत है यार अभी अकेला मैं सिस्टम उखाड़ नहीं सकते तो तुम समझ रहे हो। चलो ठीक है क्या भाई गाड़ी रोक रहे हो चलते रहो ब्रो। अच्छा ये गलत आ गया क्या? हेलो भाई पैसे आ गए थोड़े। हेलो ब्रो हां मैं क्या इतो फ्यूल पंप तो ना दो जड़े गैस कैन हां क्योंकि ज्यादातर फैमिली दी जड़ी कार सा उनसे फ्यूल नहीं। अच्छा इसलिए तो गैस कैन फिल अप ले दे ये कार से पर से कुछ लेके दे। ओके चलो रुको चलो। तो गाइस ओके ठीक है भाई प्रीमियम फ्यूल गैसोलीन इसमें कुछ आ नहीं रहा है रेड रेड का कुछ एरर लिख के आ रही है सिस्टम बन नहीं रहा। चलो कोई ना पता नहीं कह रहा कुछ प्रोडक्ट यू नॉट है पता नहीं कुछ सिस्टम मैं कैनिस्टर भी खरीद दिया ऊपर वाला शायद मेरे मतलब कि मेरे तुम्हारे बैंक में पैसे मतलब कि होने चाहिए कि अपने बैंक से भी तो कट जाते हैं ना बैंक से हैंड टू हैंड नहीं ले सकते बैंक से तो मतलब कि मेरे पास हैंड टू हैंड कम कैश होना ही चाहिए ये कौन है वैस वैस की ठंग कौन था सिस्टम बना रही है मैं दिमाग खराब हो रही है मेरा भाई मेरे पास हैंड टू हैंड मैंने
कहा था मैंने सब उड़ा दिए उसमें टैक्सी चलाने में, टैक्सी चलाओ छोड़ो पीछे ही बैठा था मैं, वो घुमाता गया और मैं उड़ाता गया। तो भाई $36 बचे हैं भाई, ख़त्म कर दिया सिस्टम सब। ये बहुत गलत चीज़ लगी मुझे यार भाई, टैक्सी वाले ने सारा पैसा लूट लिया, मेरे पास हैंड टू हैंड 7 या 6,000 थे डॉलर्स और सब ले गया भैंस की टांग, दो दिमाग ख़राब कर दिया मैंने। तो भाई ये दोनों बंदे मेरे हिसाब से एक ही हैं लगता है, मेरे हिसाब से सिस्टम बना रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ रिपीट हो रहा। चलो भाई उसके घर पे आ चुके हैं हम लोग। ओके गाइस, इस पे तो मैं पहले भी आया था बट यहाँ पे मेरे शूटर, यहाँ पे जो शूटर्स थे उन्होंने मुझे शूट कर दिया था। चलो नीचे उतरते हैं क्या भाई, शूटर्स हैं भाई यहाँ पे, शूटर्स हैं यहाँ पे। तो भाई इनके गैराज में चलता है, गैराज। अरे साले मैं गैराज के ऊपर क्यों चला गया गाइस, इनका गैराज कहाँ पे है सिस्टम तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। जल्दी से इंट्रैक्शन करते हैं इस घर के अंदर, चलो होम पे चलते हैं लेजी एसिसियन, चलो होम के अंदर चलते हैं। वाओ लिटरली गाइस हम लोग लेजी एसिसियन, ये लेजी एसिसियन का फैमिली रूम है, फैमिली हाउस है मान लो, इसमें चलते हैं गैराज। ये क्या था पता नहीं, यू आर नॉट ओनर ऑफ दिस हाउस, भाई हम लोग इसके ओनर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे टेक्नो गेमर भी आए थे और उन्होंने बातचीत करी थी, आप लोगों जानते होंगे, और उन्होंने और यहाँ पे ऐसी सीन इस टाइम मेरे सबसे अभी नहीं होंगे, अगर होंगे तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं, बढ़िया है। बट उनका गैराज कहाँ पे है भैंस की टांग भाई, ये रूम समझो भाई रूम, कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकते हैं बढ़िया वाले, तो यहाँ हम लोग कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकते हैं बट हम लोग इस टाइम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा हाउस नहीं है ब्रो, हम लोग अपने हाउस पे ही चेंज वगैरह। ये भाई समझ लो, देख सकते हो तुम, देखना भाई देख, तुम जहाँ मर्जी सकते हो यार, तुम तो जाके मॉल पे देख सकते हो यार, तुम खरीदना पड़ेगा, सिस्टम तो वही है भाई। इनका गैराज कहाँ पे है, गाड़ी लेनी पड़ेगी यार, सबसे पहले तो एग्जिट करते हैं ब्रो। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं एसासन के गैराज पे, जो कि क्या महंगी महंगी कार्स हैं। मैं भाई इट इज़ अ अल्ट्रा लेवल भाई, मैं एक्सीडेंटली यहाँ पे आया हूँ, मैं तो घर से बाहर जा रहा था। वाओ 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 वाओ, बढ़िया 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 ब्रो, मैं तो घर से बाहर आ रहा था, घर से बाहर आते आते मैं उसी के गैराज पे चला गया। यहाँ पे भी टेक्नो गेमर आए थे, याद करो ब्रो, अगर नहीं याद है तो वीडियो देखो उनके जाके, यहाँ पे आए थे। यहाँ पे डेट्रैक्स भी आए थे, डेट्रैक्स जो जानते हो, डेट्रैक्स भी यहाँ पे आए थे, गाड़ियाँ देखी थी और बुगाटी भाई, बुगाटी उस टाइम भी बहुत थी, बुगाटी इस टाइम भी बहुत है। और जो मेरे पास, जो मेरे साथ जो बंदे अभी आप लोग देख रहे थे बाहर वेट कर रहे थे, वो उस टाइम चले गए होंगे, क्योंकि लिटरली गाइस सच बता रहा हूँ, मैंने 10-15 मिनट अंदर घूमा हूँ, अच्छा खासा अंदर मजा लिया भाई, और उनको मैं भूल गया, 2 मिनट के लिए उनको भूल गया। और लिटरली गाइस मैं अभी बाहर जा रहा था, मैं यही देखने जा रहा था कि वो हैं कि नहीं, बट वो नहीं होंगे मुझे लगता, चलो गाड़ी लेके चलते हैं। भाई कौन सी गाड़ी तुम्हें ज़्यादा बढ़िया लग रही है भाई, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही मस्त मस्त हैं, ये भी गाड़ी कोई, और ये मस्त लग रही है यार गाड़ी, ये भी बहुत, और रोल्स रॉयल्स है भाई ये, बढ़िया। और मुझे बुगाटी, ये भी बढ़िया कार है यार, रोल्स रॉयल्स। और यो देखो ये ट्रक है, यहाँ से हम लोग बाहर लेके जा सकते हैं गाड़ियाँ। ये देखो भाई ये फरारी है क्या, फरारी वगैरह है, और बुगाटी ब्रो, बुगाटी समझो यार, तुम समझ सकते हो कितनी क्रेजी क्रेजी कार्स हैं यार। हेलो 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 ब्रो, हेलो हेलो ब्रो, हेलो ए सस्ते नशे इधर आओ, हेलो ब्रो आवाज़ आ रही है, बोल ले बेटे आवाज़ आ रही कुछ। भाई ये बंदा कुछ ना सुन रही है, इसका दिमाग खराब हुआ पड़ा भाई, मेरे को बुगाटी लूँ क्या लूँ, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही है बुगाटी लूँ क्या लूँ। बट भाई ये जो दो गाड़ियाँ क्लासिक खड़ी हैं भाई, मेरे को यही चाहिए, मेरे को ये ज़्यादा पसंद आ रही है वाइट वाली, क्या इसमें बैठा जाए। चलो गाइस इसके अंदर बैठते हैं। ऑल राइट गाइज, तो मैंने ये गाड़ी ले ली है, क्या मैं इसको अब लेके जाऊं, क्या है, यू कैन नॉट एक्सेस द ट्रांसपोर्ट, क्यों भाई, मतलब मैं इसको, अच्छा हमारे पास फ्यूल नहीं है क्या, रुको रुको, उस टाइम वो बंदे ने फ्यूल कहा था कि यहाँ से फ्यूल ले लो, रुको रुको लिटरली गाइज, एक बार मैं बुगाटी के अंदर बैठ के देखूंगा, 2 मिनट बुगाटी के अंदर। अरे दादा ये कौन था, इसके अंदर बैठ के देखते हैं, शायद इसके अंदर बैठ जाऊं, ठीक है। देयर इज नो फ्यूल इन योर व्हीकल, तो मैंने कहा था भाई फ्यूल फ्यूल फ्यूल, अगर तुम्हारे पास फ्यूल है तभी तुम बैठ सकते हो, मेरे पास फ्यूल नहीं है और मुझे लगता है हमें फ्यूल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत काम, क्योंकि मेरे पास हैंड टू हैंड पैसा नहीं है भाई, हैंड टू हैंड घंटा कोई पैसा नहीं है। और गाइज ये वाली कार मुझे लेके जानी है, अरे ब्रो मेरे को बैठा ले, ओए साले साले, 2 मिनट 2 मिनट, हेलो ब्रो हेलो, 2 मिनट रुक जाए साला, 2 मिनट रुक जाए, मैं अभी बैठ, अरे अरे वाह, अरे बाप रे, इधर आ साले, भाई साहब नीचे भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तुम समझ रहे हो, गाड़ियां नीचे भी खड़ी हुई हैं,
ओ माई गॉड, गई गया गया वो बंदा साला, गाड़ी लेके चला गया, भैंस की टंग मेरे को तो ले जाता यार। भाई किसी कार में फ्यूल तो पड़ा होगा, कोई गाड़ी छोड़ के गया होगा, फ्यूल थोड़ा बहुत तो होगा। किसी में रुको एक बार। ओ भाई इस गाड़ी में फ्यूल है भाई, मिल गई। तो गाइज इस गाड़ी, ये गाड़ी मुझे मिल गई है, रॉल्स रॉयस, जिसमें फ्यूल पड़ा हुआ है, भाई ने किसी ने डलवाया होगा। ओ मालिक भाई ये गाड़ी, चलो मैं लेनी दूसरी थी, ले ली, चलो कोई बात नहीं। चलो हम लोग एग्जिट करते हैं। फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं एसएसएन की फैमिली से बाहर, और यहाँ पे मैं वो बंदे चेक करना चाहता हूँ, वो बंदे इस टाइम है, उनका मुझे नाम याद है। ये क्या है, हेलो ब्रो, आवाज़ आ रही है भैया? यस यस। हाँ भाई, क्या मतलब कि बॉस सिंह पंजाबी हो क्या? या मैं भी पंजाबी हूँ। गुड, आई एम फ्रॉम जालंधर। अच्छा, मैं यूपी, यूपी से हूँ मैं। ओके, वेरी नाइस। तो वैन गाड़ी गुड़ी ली है? हाँ है, गाड़ी है। मतलब कि चलो ठीक है फिर, बढ़िया। कोई ऐसा धंधा है, कोई पैसे पूसे वाला कोई धंधा है? नहीं अभी निकल नहीं है। तो धंधा हो पैसे वाला, पैसे पूसे नहीं है। हाँ वही ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी। चलो ठीक है ब्रो, धंधा कुछ ठीक है। ओके। जो गाइस ये भी बंदा, भाई मेरे लगता है इस सर्वर में सब पंजाबी खेल रहे हैं क्या? ये भी बंदा पंजाबी था, वो भी पंजाबी थे। भाई जो वो बंदे मुझे मिले थे वो बहुत बढ़िया बंदे थे, वो साले मुझे यहाँ पे लेकर आए। रिस्पेक्ट है भाई इन बंदों को। भाई ये फ्यूल, भाई इस कार में फ्यूल भी ख़त्म हो सकता है, भाई मुझे फ्यूल वगैरह भी डलवाना। सबसे पहले मैं डिस्टिनेशन देखूंगा। अरे ब्रो कितनी जल्द, हेलो ब्रो, साला ये बंदा सुनते भी तो नहीं है ना भाई, जो बंदे सुनते हैं वो पता नहीं, बट चलो ठीक है यार। भाई सबसे पहले मैं डिस्टिनेशन लगाऊंगा, मुझे थोड़ा बहुत काम करना है, और मुझे फ्यूल वगैरह अभी भरवाना है इस गाड़ी में। फ्यूल वगैरह जब हम, फ्यूल भरवाना नहीं है, फ्यूल खरीदना है, जब ज़रूरत होगी डाल देंगे इसमें। अगर डिफ़ॉल्ट डलवाएंगे तो भाई हमारा पैसा जाएगा, दूसरे बंदे गाड़ी चलाएंगे। क्या भाई ये बंदे को ज़्यादा जल्दी नहीं है यार? कुछ ज़्यादा ही जल्दी है मुझे लग रहा है। रुको बातचीत कर लें। हेलो ब्रो। हाँ भाई, हेलो ब्रो। मैं क्या कह रही है, चलो फिर चलो कहाँ चलना है? कहाँ चलना था? आप गेमर हो क्या? हाँ आप गेमर हो? या यूट्यूबर? या क्या नाम है आपका चैनल? चैनल का नेम लिखो, रवि प्ले लिखो, रवि प्ले। ओके रवि प्लेज लिखो। हाँ लिख लिया, आ गया। बढ़िया। तो गाइस ये मेरे को पकड़ लिया ना लोगों ने, आ गया तुम गेमर हो? आई एम गेमर। चलो भाई इनको थोड़ा सा एक्साइट करते हैं और काम करते हैं जो काम है। हम लोग कहाँ पे इस टाइम? भाई वो बंदा मेरी वीडियोस देखना है, रवि प्ले जो टेक्नो के साथ रवि था ना, उसका चैनल पकड़ा दिया मैंने। देखो जाके भाई, वो भी गेमर। ओ भाई मैं यहाँ पे उस टाइम, और मुझे जाना है भाई, मैं इधर साइड जाऊँगा, इधर एक फ्यूल कट है भाई, काम करना है इम्प्रूव मुझे, पोस्ट ऑफिस चलते हैं भाई। ये बंदा साला अभी भी यहाँ पे खड़ा, आजा भैंस की टांग, चला गया। उसको पता चल गया होगा मैं। चलो ठीक है भाई, चलते हैं पोस्ट ऑफिस, इंपॉर्टेंट प्लेस है, जॉब करेंगे बाद में। पहले मुझे कपड़े मैंने जो लिए थे वो खरीदते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, जॉब पे है। पोस्ट ऑफिस इन द सिटी, पोस्ट ऑफिस इन द विलेज, विलेज पे चलते हैं। चलो पोस्ट ऑफिस इन अ विलेज, तो विलेज सस्ता पड़ेगा ज्यादा, मतलब कि दूर। अरे बाप रे, ये तो सामने ही है क्या? अरे ये तो बहुत दूर है, इतने में फ्यूल ना खत्म हो जाएगा गाड़ी का यार। चलो कोई ना, निकलते हैं, जो भी कहा इन्होंने। चलो रॉकेट बनाओ। हमको रॉल्स मिली है भाई, पहली बार मैं ग्रैंड आरपी पे गाड़ी चला रहा हूँ, मज़ा आ रही है मेरे को, बहुत बढ़िया लग रही है। ग्रैंड आरपी पे मैं स्कूटर से चलाता था भाई गाड़ी, ज़्यादातर मैं ग्रैंड आरपी में स्कूटर बहुत चलाया मैंने। और एसासन की फैमिली ज्वाइन करते हैं, हमें एक रॉल्स मिल चुकी है। अगर मेरे पास फ्यूल होता तो मैं कोई मन पसंद वाली गाड़ी वहाँ से उठाता जो मुझे पसंद आ रही थी, बट उसको मैं चला नहीं पा रहा था। हम लोग वो जो दो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद मेरे हिसाब से वो असासन ने रखी होंगी अपने लिए, मेरे हिसाब से शायद वही चीज़ होगी, असासन ने अपने लिए रखी होंगी, क्योंकि वो लग्जरी थी भाई ब्रो, वो लग्जरी लग रही थी। और वो हर कोई में, उसमें जो मैं दूसरी गाड़ी चला रहा था उसमें फ्यूल नहीं था, उसमें मैं बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि यू नॉट एक्सेस दिस कार, मतलब कि उसमें तो फ्यूल फुल था, एक्सेस नहीं कर पा रहा, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, मतलब कि ये समझ लो कि वो हमारे लिए नहीं थी ब्रो। तो गाड़ी भगाते हैं अपनी, और इसको अंदर से एक बार मैं देखना चाहता हूँ ये गाड़ी कैसी लगती है ब्रो। ओ माई गॉड, 280 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, बट इतनी भगाने नहीं वाला मैं।
भाई गाड़ी है उनकी, महंगी भी है, चुपचाप उसको लेके भी जाना है वापस, काम कुम जो भी अपना करना है करेंगे भाई इसका। बट फ्यूल भाई, इसमें फ्यूल घंटा नहीं है ब्रो, इसमें घंटा फ्यूल नहीं, और लिटरली गाइस मुझे तो लगता है इसका फ्यूल खत्म। हेलो ब्रो, हेलो हेलो, ओह हेलो ब्रो, बहुत कम आवाज आ रही है, तेज बोल लो यार थोड़ा। हेलो, हाँ भाई मैं क्या कह रहा था, फ्यूल है तुम्हारे पास? ना ना, चलो कोई बात नहीं यार, फ्यूल हमारे में खत्म होने वाला है बस। साले को बहुत तगड़ा पीटता मैं, अरे भैंस की टंग, बहुत तगड़ा पीटता इसको भैंस की टंग, मेरे को नीचे गिरा दिया। अगर इससे फ्यूल मिल जाता तो हमारा काम चल जाता ब्रो। क्या यार, मेरे को नीचे भी गिरा दिया और कुछ फ्यूल फ्यूल वगैरह मिल जाता तो बढ़िया था यार। चलो कोई बात नहीं, निकलते अपनी डेस्टिनेशन पे। और घंटा भाई फ्यूल की लाइन देखो तुम, अब ये मुझे वहां तक पहुंचा पाएगी गाड़ी कि नहीं पहुंचा पाएगी मुझे नहीं पता, अब वो देखा जाएगा कि पहुंचाती है कि नहीं। बट हाँ, हम लोग अपनी फुल स्पीड में जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस इन अ विलेज, विलेज का पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं। मुझे लगता है सिटी का मेरे हिसाब से ज़्यादा सामने पड़ जाता, पर चुल मची है ना ज़्यादा। मुझे इस गाड़ी को ट्राई भी करना था क्योंकि ये गाड़ी, क्योंकि ये रोड खाली है, सिटी में भरा होता वहाँ पे बंदे होते हैं साले, कब तुमको पाट से दे जाए। आ आ आ, यहाँ पे पत्थर, मैंने सोचा रोड पे कोई पत्थर डाल गया। चलो चलो जल्दी से निकलते हैं हम लोग भाई, मुझे आज जाना है टेक्नो के हाउस भी, मुझे टेक्नो का हाउस भी वगैरह देखना है, और मुझे भी हाउस खरीदना है। बट उसके लिए पैसा चाहिए अच्छा खासा, उसके लिए मुझे, मैं सोच रहा हूँ बैंक रॉबरी की जाए, सोच रहा हूँ। मैं अभी असासन के घर गया था भाई, उनकी फैमिली में ज्वाइन हूँ भाई, उसमें रॉब का ऑप्शन भी आ रहा था, बट नहीं रॉब नहीं करूँगा भाई, सिस्टम नहीं, वो सिस्टम हमारे हाथ नहीं है। रॉब करेंगे एटीएम वगैरह जहाँ पे भाई पैसा अच्छा खासा मिले, और उस टाइप भागेंगे भाई बहुत स्पीड से। फिर पैसा मैं सोच रहा हूँ एक एटीएम, ये एटीएम नहीं है क्या? रुको रुको एक बार, दो मिनट रुको भाई, एक बार मैं ट्राई मारने वाला हूँ। पार्क रेंजर ऑफिस है ब्रो ये, इसको एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते। हम अपनी रॉल्स रॉयस पे बैठते हैं और फिर से निकलते हैं ब्रो, इसका इंजन बंद है साले। एटीएम वगैरह को रॉब करेंगे, पैसा आएगा, घर खरीदेंगे, मेहनत करेंगे, और हमारे साथ कुछ बंदे हैं उनको भी सिस्टम बनाएंगे। और असासन मुझे मिले नहीं, शायद मेरे हिसाब से ऑफलाइन होंगे इस टाइम, जब हम लोग ऑनलाइन होते हैं तो ज़्यादातर बंदे ऑफलाइन ही होते हैं। अरे रॉल्स रॉयल्स है ब्रो, रॉल्स रॉयल्स है, अंबुजा सीमेंट, अगर इससे तुम टकराओगे तो तुम ही खत्म होगे, हमारा कुछ नहीं जाने वाला ब्रो। हम लोग खेतों वगैरह में भी काम कर सकते हैं, अपने वॉर हाउस भी खरीद सकते हैं, बंकर वगैरह भी खरीद सकते हैं, जिसमें हम लोग पैसा छाप सकते हैं। 1,00,000 रुपये छापो, 2,00,000 तुमको मिलेंगे, 1,00,000 अपने से लगाओ, 2,00,000 ले जाओ, तो ये भी सिस्टम सही है। बंकर वगैरह खरीद सकते हैं, 1,00,000 का बंकर पड़ेगा हमें, बट गाइज 1,00,000 का बंकर हमें पड़ेगा, तो 1,00,000 होना भी तो चाहिए। तो गाइज फ्यूल ख़त्म हो चुका है, मैंने कहा था कि फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो फ्यूल ख़त्म हो चुका है। तो इस गाड़ी को हम लोग अब कैसे, अब अगर मैं इसमें उतरूंगा, ये गायब ही दबाया, अब मैं जाऊँगा रिफ्यूल द व्हीकल, रिफ्यूल, यू डू नॉट हैव अ कैनिस्टर, कैनिस्टर हमारे पास है नहीं, तो इसको हम लोग रिफ्यूल नहीं कर सकते। बट इस व्यू ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्म हैक द कंट्रोल सिस्टम, तो गाइज इस गाड़ी को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे खड़ा रहने देते हैं 2 मिनट के लिए। तो गाइज हमें किसी ने ठोक दिया था और ख़त्म सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। और लिटरली गाइज मैं सही अगर तुमको बात कहूँ तो ये बहुत सही किया किसी ने भी जो किया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, गाड़ी में फ्यूल ख़त्म था, पैसा ख़त्म था, पोस्ट ऑफिस बहुत दूर था, और गाइज सिस्टम बना दिया भाई ने, मार दिया। बट हाँ भाई सही है भाई, कुछ छोड़ो गलत तो है, बट यार काम के लिए चीज़, अरे कहाँ घुस रही है यार, कहाँ जाना है मुझे, गेट साले, अच्छा मैं उधर जाना है, साले गेट तो बता दिया करो यार, मैं कहाँ घुस रहा हूँ। चलो भाई डॉक्टर साहब जल्दी आओ, डॉक्टर साहब मैं ख़त्म होने वाला हूँ, सबसे पहले जाना है मुझे फ्लोर वन में। डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर साहब पहले कुछ खा पी लिया जाए, छोड़ो यार डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, अरे भैंस की टांग, ताले डॉक्टर कहाँ पे गया यार, लिटरली गाइस यही गलत होता, मैं फंस गया बीच में आके। लो भाई डॉक्टर साहब जल्दी, डॉक्टर साहब, ओ हेलो डॉक्टर साहब, सही करिए डॉक्टर साहब, फाइनली डॉक्टर साहब ने मैसेज भेज दिया ब्रो। चलो गाइस डॉक्टर साहब काम हो गया गाइस, थैंक्स ब्रो, थैंक्स डॉक्टर साहब, थैंक्स। डू यू नीड एनीथिंग? ठीक है सर, बढ़िया सर जी, काम हो गया, डू नॉट थिंग बट आई नॉट यू बट ये कैम आई डू नॉट इस, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, डू यू नीड मेडिकेट? नो, आई
हो गया काम फुल फुल फुल। भाई ने भाई मेरा मैं काम हो गया भाई अब ज्यादा चलो $3 का है तो मैं चलो खरीद लेता हूँ। चलिए अरे हम लोग विलेज के होटल में है क्योंकि यहाँ से मैं कार कोई वगैरह रेंट कर सकता हूँ। भाई मैं इस कार को रेंट कर सकता हूँ क्या? तो इसको $11 में रेंट कर सकता हूँ? अरे नहीं कर सकता। तो मैम स्कूटर दो यार। ये मैम है जो हमारा थोड़ा बहुत काम कर देती हैं। मैम बढ़िया हैं, स्कूटर दे देती हैं अच्छा वाला। ठीक है भाई मैम ने दे दिया स्कूटर, बढ़िया। लगाते हैं डिस्टिनेशन, पोस्ट ऑफिस चलते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में इंपॉर्टेंट प्लेस में चलते हैं, पोस्ट ऑफिस। बेटा अरे यार ये बंदा तगड़ा। हेलो ब्रो। चलो हटाओ यार हमको अपना काम करना है क्योंकि भाई मेरे पास जो पैसा है ना वो मतलब कि हट गया। अब मैं क्या करूंगा, पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद थोड़े बहुत देखे कपड़े वगैरह आए हैं कि नहीं आए होंगे तो सीधा चलेंगे एटीएम में रॉब करेंगे, एटीएम को रॉब करेंगे, खत्म करेंगे एटीएम में जितना पैसा है सब खा जाऊंगा मैं, चिंता मत करो भाई। इस रेंटल भाई इसकी मैं ओनरशिप भी, इसकी ओनरशिप ले लेता तो रेंटल स्कूटर की ओनरशिप मैं ले सकता हूँ गाइज, ले सकता हूँ इसकी, ले लेता हूँ ना भाई। अगर भाई पैसा, क्योंकि ये रेंटल स्टूडेंट कब ख़त्म हो जाता पता भी नहीं चलता, रास्ते में भाई कितनी दूर मैं होता हूँ ये ख़त्म हो गया तो भाई दे, जैसे हमारी रोल्स रॉयस ने काम किया फ्यूल ख़त्म, ना इधर ना उधर, आगे खाई पीछे कुआं, सिस्टम सिस्टम। तो यही है भाई, मैं इसकी ओनरशिप भी ले लूँगा स्कूटर की, ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि स्कूटर की ओनरशिप ज़्यादा बढ़िया रहती है। हाँ असासन की गाड़ियाँ हैं उनमें, उनके लिए तुमको एक फ्यूल, फ्यूल के लिए कैनिडल्स को खरीदना पड़ेगा जो भरने वाले होते हैं, उसको खरीद लेंगे तो जहाँ उसकी गाड़ी लेके जाना चाहते हो तुम लेके जा सकते हो। फ्यूल होना चाहिए, और फ्यूल होना चाहिए तो उसके लिए तुम्हें चाहिए पैसा, और पैसा हमारे पास बहुत है, पैसा कमाने जा रही है। और क्या यार ये लाइट बहुत अलग ही, लाइट अलग लग रही है बट कैमरा भी तो बढ़िया है। चलो भाई चलते हैं फुल स्पीड में। तो गाइज हमको भूलना नहीं है, हमको टेक्नो के हाउस में भी जाना है, बट टेक्नो के हाउस में घंटा जाएंगे। एसेसिन का हाउस मैंने देख लिया है, एसेसिन की फैमिली हाउस देख लिया है भाई, वहाँ पे भी एक गैराज, वहाँ पे गाड़ियाँ अच्छी खासी खड़ी हैं, और एक और गैराज था मेरे हिसाब से एसेसिन का जहाँ पे ट्रैक्स को लेके गए थे, वहाँ पे एक और गैराज है उसके, उस पर भी चलेंगे। बट अभी के लिए टेक्नो गोल है हमारा, उसके हाउस को देखना है मुझे, वो वाला हाउस फ्रैंकलिन का जहाँ पे हाउस है, हाउस पड़ता है ना उसी की, वही लोकेशन वगैरह है, वहीं सामने सामने होगा। चलो चलते हैं, सबसे पहले तो मुझे जाना है वहाँ पे, चलते हैं। भाई ये कितनी जोर गाड़ी चलाते हैं यार, सामने से तो गोली से निकलते ठोक, अगर गल भाई गाड़ी, गाड़ी वाले ने ठोक के मुझे मारा था और गलती से ठोक दिया तो काम खत्म हो जाएगा भाई। यहाँ पे सब्जी वगैरह खरीद लूँ, घर काम आएगी, घर का घर कौन सा घर, हमारे पास है ही नहीं है घर ही नहीं है भाई। सोचो इस बंदे की शादी भी नहीं हुई है यार, और नाल छड़ा मुंडा और नाल छड़ा। हाँ आग लग चुकी है भाई, पानी वाले पाइप पे आग लगी हुई है, बहुत बड़ी बात है भाई, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना होना चाहिए भाई, पानी में आग लग चुकी है। आग लगा दी खतरनाक आग लगा दी। तो भाई आप लोग कमेंट्स करो जिससे कि टेक्नो गेमर के साथ हम लोग खेल पाएं बहुत तगड़े तरीके से, क्योंकि मैं टेक्नो के साथ खेलना चाह रही हूं। मेरे को कमेंट्स मत कर देना भाई, टेक्नो को कमेंट्स करना, टेक्नो गेमर के कमेंट्स पे कमेंट्स करना भाई, मज़ा आएगा अगर हम लोग खेलें ना भाई। एक ऐसी गैंग बनेगी जो किसी ने आज तक ज़िंदगी में नहीं बनाई होगी, और मैं गारंटी देता हूँ भाई, माहौल उठाएंगे भाई, माहौल इंटरटेन करने का कोई सिस्टम नहीं छोड़ेंगे, इतना माहौल उठा देंगे हम लोग। चलो कोई ना, आ आ आ आ यहाँ आ, ये क्या, अच्छा यहाँ पे भी तुम काम वगैरह कर सकते हो, बट यहीं पर भाई चिंता मत करो, पोस्ट ऑफिस से इधर ही आ रही है मैं, बट अभी नहीं, अभी मुझे जाना है टेक्नो का हाउस देखना है, आऊँगा यहाँ पे भी बहुत अच्छे खासे डॉलर्स मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है, काम करेंगे थोड़ा बहुत, एक घंटा अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा तो मेरे हिसाब से मैं 10,000-12,000 डॉलर कमा सकता हूँ, अगर मुझे टैक्सी ड्राइवर बन गया तो पैसा ही पैसा है। अरे दादा भाई हेलीकॉप्टर लोग तोड़ तोड़ के बैठे हुए हैं भाई, यहाँ स्कूटर हमारे पास है, सोचो यार जब पैसा आता तो बंदा चौड़ में आ जाता है, ये तो मैंने देखा नहीं है, सुना है, देख भी लिया आज। हम लोग गलियों से जा रहे हैं, बट हम किस्मत कह रही है तुम रोड से ही जाओगे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस। भाई आज क्या हो रही है मेरे साथ, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई जहाँ जा रही है अब कभी वहाँ गिर रही है, कभी वहाँ गिर रही है। भाई ख़त्म होने वाला है इसका रेंटल स्कूटर का भी काम, ख़त्म होने वाला है। चलो यहाँ पे चलो मैम भी हैं, इनसे ओनरशिप ले लूँ क्या, मैं तो सोच रहा हूँ ओनरशिप ही लेते हैं सीधा। चलो मैम इधर आइए 2 मिनट आप। अरे भाई इनसे, अरे नहीं साले स्कूटर को रेंट कर लिया दोबारा, कैसे कैसे बंदे रहते हैं यार यहाँ पे, और हम भी वहाँ पे हैं, साले स्कूटर को रेंट कर दिया मैंने गाइज,
चलो बढ़िया बात, हम लोग आ गए पोस्ट ऑफिस। चलो भाई से जो देखते हैं क्या सामान वगैरह हमारा कुछ आया है कि खाली है सब। हेलो गाइस, हेलो ब्रो, आवाज आ रही है? कब करते हैं, कोई पैकेज आया है हमारा भाई? अवार्ड आए हैं लर्न मोर, हमारे पास 4 अवार्ड आए हैं हमारे पास। सबसे पहले पहला अवार्ड देखते हैं, टेक अवे। ये मुझे कुछ मिला है, रुको, यू आर नॉट हैव इनफ स्पेस इन योर भाई, मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास बैग लेने का स्पेस नहीं। इन्वेंट्री में जो सामान होगा देखते हैं, जो काम का नहीं है, बट काम का क्या भाई, इन्वेंट्री में है ही क्या? अरे जगह नहीं है तो जगह बना लेते हैं क्या, तुम बताओ जगह बना लें क्या? ड्रॉप करो भैंस की टांग, जगह बना लूंगा, अभी चिंता की बात ही ना। चलो गाइस, हेलो हेलो भाई, हेलो सबको, आवाज आ रही है? अब पिकअप करते हैं, देखते हैं क्या हमको कुछ मिलेगा। हाँ ये मुझे आया, प्लॉट असाइनमेंट मिला है। प्लॉट असाइनमेंट में क्या आया, रुको एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ मैं। इसमें मुझे $500 मिलेंगे, बट अभी रुको, अभी ये भी $500 मिलेंगे। अरे भाई भाई मिल गए $500। ये क्या मिला? हाँ मैंने कहा था ना तुम्हें, मैंने कपड़े वगैरह खरीदे हैं, तो मैंने एक शर्ट खरीदी है। चलो मैंने एक शर्ट ले ली है। ये मेरे पास, मैंने एक पैंट भी खरीदी थी, मैंने कहा था ना वो पैंट के लिए मेरे पास जगह नहीं है। यही तो दिक्कत हो रही है, हर बार दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री में चलते हैं। जो मैंने भाई, मेरे बैग खरीदना है यार, बैग खरीदना है। चलो रुको 2 मिनट, एम पे चलते हैं, शॉप पे चलते हैं भाई, बैग्स वगैरह कुछ मिल जाए। यो हनी सिंह, हाँ हेलो ब्रो, खरीदो बैग। हाँ भाई बैग खरीदना है यार, जाओ शॉप से खरीद लो। भाई मैं खरीदने जा रहा हूँ ना, तो खरीद लो। ठीक है, माइक ऑन कर दिया था, ये साले मेरी बात सुन रहे थे। ठीक है भाई, बैग मैं शॉप पे तो जा रहा था यार। ये क्लॉथिंग में आ गया, क्लॉथिंग में मैं अरे भाई ये देखो, ये कितने तगड़े तगड़े कपड़े। मेरे से खरीदोगे तो बजट है तुम्हारे, Level 4 बैग है मेरे पास, खरीदेगा? कितने का है ब्रो? 2 मिलियन का। हाँ कितने का है? Level 3 खरीदोगे? Level 3 हेलो 4 लाख का भाई, वो ज्यादा ही, बहुत ही महंगा है यार। गाइस ये बंदा मुझे बैग भेज रहा है 4 लाख का। खरीदना है तो खरीद सकते हो, Level 3 का बैग दिलवा देंगे 4 लाख में, Level 4 का बैग तो 4 लाख, 4 लाख होंगे तब खरीदेंगे भाई, 4 लाख कहाँ हो जाएंगे यहाँ पे 4 लाख? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तो ये सस्ता सा, वो नहीं कह दिया 4 लाख का मिल जाएगा, कुछ आप आराम से ले सकते हैं। अरे वो एक बंदा 4 लाख, ये तो ऐसे कह रही है जैसे अभी जेब में मेरे पड़े। हाँ भाई पड़े होंगे, चिंता मत करो पड़े होंगे, बट थोड़ा वेट करो ब्रो वीडियो बनाने के लिए। भाई ये बंदे अपने पास खड़े हैं क्योंकि इनको पता चल गया। भाई हम लोग प्राइम वगैरह भी खरीद सकते हैं, पॉपुलर में हम यार मुझे एक बैग खरीदना है जो ले अरे 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 ये तो Level 100 का हो गया, मेरे पास 0 है भाई, ये बहुत ही महंगे ले। तो गाइज हम लोग अभी बैग नहीं खरीद सकते क्योंकि बैग बहुत ही महंगा है, मतलब कि मान सकते हो तुम तो बहुत ही महंगा बैग है, तो बैग खरीदना इतना मतलब कि हटाओ। चलो सबसे पहले जो शर्ट मिली है ना मुझे, मेरे को शर्ट मिल गई है ब्रो, एक मैंने शर्ट खरीदी थी ये देखो, ये मुझे मिल गई, इसको मैं इस पे रिप्लेस कर दूंगा, ये हो गई रिप्लेस, अब इसको कर दूंगा ड्रॉप। ये बढ़िया है ब्रो, ये उससे अच्छा तो पड़ा पोस्ट ऑफिस पड़े रहने से, तो इसको ड्रॉप कर दो बढ़िया रहेगा। ये मैंने एक शर्ट आ गई होगी नीचे पड़ी है, भाई साहब हमारा आउटफिट चेंज हो चुका है। तो भाई मुझे एक अपनी पैंट है वो भी पकड़ा हूँ, पैंट लाओ भाई, वो पैंट क्लासी पैंट है भाई, वो मुझे चाहिए, ये देखो ये बात। दो मिनट, इन्वेंट्री ये हो गई पैंट, ये पैंट इसमें चलेगी, इसको करते हैं ड्रॉप, ये हो गई ड्रॉप, सिस्टम हमारा सेट हो गया। चलो भाई, ओ भाई क्या क्लासी पैंट मिल गई है भाई, लिटरली गाइस। और भाई अब ये बता दे बेटा, अरे बेटा दो मिनट रुको, ये सिस्टम बताओ ये क्या है तुम्हारे पास? ये मुझे केस मिला है, बिगनर्स केस मिला है मुझे, इसको यूज करता हूँ सबसे पहले। यूज कर सकता हूँ, ओपन अ कंटेनर। क्या यार मुझे वही दे दिया, मास्क का क्या करूंगा भाई, मास्क का मैं क्या करूंगा, बैग दे देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। गाइज एक और मास्क आ गया, इसका घंटा क्या करूंगा यार। भाई यहाँ पे मैंने अपनी पैंट वगैरह ये शर्ट वगैरह फेंकी थी और साले ले गया कोई। तो हम लोग अपने आइटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि तुम यहाँ पे अपना नेम वगैरह लिख सकते हो, बैग बना सकते हो, अपना क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं अपने बैग को क्रिएट करना चाहूँ, ट्राई ऑन 100% सक्सेस विद क्राफ्टिंग, ट्राई ऑन क्रिएट आइटम। ट्राई ऑन का सिस्टम क्या है यार, रुको एक बार इसको मैं क्रिएट करके देखूंगा। ट्राई ऑन, यो इसको मैंने ट्राई कर लिया है, मतलब कि ये मेरे पास अच्छा है। अरे ये ट्राई करने के लिए है ब्रो, इसको तुम ले नहीं सकते। क्राफ्टिंग में चलते हैं 2 मिनट। ये वाला बैग था ना, इसको अगर मैं क्रिएट करूँ आइटम में चल के फिर से, यू डू नॉट हैव इनफ आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे तुम अपनी गन्स को पेंट कर सकते हो, जो कि
बहुत बढ़िया चीज। और आवाज आ रही है, लगता है बाहर मौसम बिगड़ा हुआ है, बारिश का मौसम है, तभी हम लोग अंदर हैं, बढ़िया बात है। ये देखो भाई क्या क्लासी क्लासी मास्क है यार यहाँ पे। ओ हो, क्या बैग है भाई, ये बैग मिल जाए तो क्या बढ़िया मजा आ जाएगा यार। भाई अगर ये वाला बैग ट्राई किया जाए, दो मिनट रुको इसको ट्राई करते हैं। वाओ क्या लग रही है भाई, अभी देखना हट जाएगा ये, देखना अभी देखना, ये गया खत्म। भाई ये मास्क लगाना चाहता हूँ, ये मास्क लगा के देखते हैं, ट्राई करते हैं, रुको। ओ गाइस क्या मास्क लग रही है ब्रो, विच। चलो गाइस हमने जो सामान वगैरह लेना था ले लिया, चलते हैं बाहर, बहुत हो गया काम यहाँ पे, बाहर चल के मौसम का। अरे बाप रे भाई क्या मौसम है गाइस, ग्रैंड आरपी की दुनिया का मौसम देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, क्या मौसम है भाई, मजा आ गया यार, क्या मौसम है गाइस। वाह रात बारिश हो रही है ग्रैंड आरपी में, हम लोग यहाँ से मैम से लेने वाले हैं स्कूटर, हमारा स्कूटर दोस्त बन गया भाई, उसको लेना ही पड़ता है, मुझे हर बार लेना पड़ता है। वाओ स्कूटर ले लिया मैंने, अब निकलते हैं हम लोग स्कूटर से टेक्नो के घर पे, टेक्नो का घर मैं बारिश में दिखाऊंगा आपको कहाँ पे है, चलते हैं गाइस खतरनाक बारिश में। क्या भाई इस बारिश में स्कूटर चला रहा हूँ मैं, और अलग ही लेवल के मजे आ रहे हैं, और गाड़ियाँ लोग साले इतने आराम से चला लो यार, भाई ये मौसम बढ़िया है यार, ये मौसम होना चाहिए, क्या प्यारा, कितने दिनों के बाद ये मौसम आया है भाई ग्रैंड आरपी में, पहले भी मैंने खेला था पर ये मौसम नहीं आया था, आज बारिश भी हो रही है, थंडर वगैरह सब, भाई बिजली वगैरह, मैं बाहर हूँ इस टाइम, साले ऊपर गिर गई तो दो मिनट में काम ख़त्म हमारा हो जाएगा, बट बढ़िया लग रहा है ये मौसम। स्कूटर चलाने में क्या फील आ रही है मुझे भाई, यहाँ से चलाता हूँ, गाड़ियाँ भी अंदर खड़ी, बंदों ने गाड़ियाँ अंदर खड़ी करके रखे, इस टाइम आपको कोई भी बंदा बाहर नहीं दिखेगा, गाड़ियों में दिखेगा, हम ही लोग हैं अकेले जो स्कूटर में घूम रहे हैं। गाइस ये जो सड़क दिख रही है ना, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ टेक्नो गेमर का हाउस जो उन्होंने नया लिया है। यहाँ पे ना, यहाँ इसी वाली सड़क पे था, रुको हम थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, ठीक है आगे चलते हैं, यहाँ से इधर पे रुको, सबसे पहले दो रोड हमारे पड़ रही हैं, एक रोड वहाँ पे जा रही है, एक रोड यहाँ पे जा रही है, रुको दोनों हम पता लगा लेते हैं कहाँ पे है। हाँ मिल गया गाइस, मिल गया, हम लोग आ चुके हैं टेक्नो गेमर के हाउस पे। हाँ मैं दिखाता हूँ उनका हाउस कहाँ पे है, यहाँ पे है, आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो उनकी वीडियो में, उनका हाउस यही है, ये देखो ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, यही उनके हाउस का घर है, यहाँ से जाओगे ये है उनका हाउस, आप लोग जाके चेकआउट करना उनका, उनके वीडियो में यही हाउस है, अगर आप लोग इसके अंदर जाओगे, वाओ यही है गाइस देख सकते हो आप लोग, ये है टेक्नो गेमर का हाउस, इससे यहाँ से वो ऊपर चढ़े थे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से वो चढ़े थे, ऐसे आप लोग यहाँ से वो ऊपर चढ़े थे, इसके ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ गए, फिर इसके ऊपर चढ़ गए, फिर इसके ऊपर चढ़ गए, हाँ यहाँ से, और यहाँ से उन्होंने ऐसे करके अपनी इन्वेंट्री में कपड़े वगैरह उतार लिए, तो गाइज ऐसे कपड़े उतारे उन्होंने, और ये मारी यहाँ से जंप, ऑल राइट गाइज, तो फाइनली खतरनाक स्विमिंग हम लोग कर रहे हैं, यही उनका हाउस है। और गाइज अगर वो यहाँ पे आए तो तब भी यार उनसे बातचीत कर लेंगे भाई, उनकी अगर गैंग में हम लोग आ गए तो गाइज नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला है गाइज। यहाँ से एंट्री कहाँ से थी, उनके घर की एंट्री थी ये, तो इन खिड़कियाँ वगैरह, हाँ घर की एंट्री आगे से है, चलो आगे से देखते हैं घर की एंट्री में क्या एंटर हो सकता है इस घर में, यही है उनका घर 588Y, ये उनके घर का एंट्रेंस है, हम लोग यहाँ से उनके घर में जा सकते हैं गाइज। अरे वाह गैराज है उनका, ऑल राइट गाइज, तो हम लोग आ चुके हैं टेक्नो गेमर के हाउस में, क्योंकि हम लोग एसासन फैमिली के मेंबर हैं। वाओ लिटरली गाइज, तो यही है उनका हाउस, आप लोग देख सकते हो ये वहाँ, ये उन्होंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था कि हम लोग ये देख सकते हो उनका हाउस है, रवि भाई भी थे उनके साथ, ये उन्होंने दिखाई थी टीवी वगैरह यहाँ पे, और गीगा निगा कुछ नाम था उस बंदे का, वो भी था यहाँ पे, इंट्रैक्शन वगैरह भी तुम कर सकते हो यहाँ से, स्कोप वगैरह लगा के देख भी सकते हो। तो गाइज ये है उनका हाउस, तो ये क्या खुलती नहीं है क्या, इसको खोलो यार भाई, ये देख सकते हो आप लोग उनका पूरा का पूरा हाउस, वीडियो में बिल्कुल सेम टू सेम यही हाउस उन्होंने दिखाया है। गीगा निगा और रवि भाई के लिए रहने के लिए उन्होंने अपना गेमिंग रूम दिया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनका गेमिंग रूम, उनका हाउस, सबसे पहले उनका कमरा दिखाते हैं जो कि वो उसमें रहे थे। ये है गाइज टेक्नो गेमर का हाउस जो जिसमें वो रहेंगे ग्रैंड आरपी में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये उनका हाउस है, ये उनका बेड है, मैं उनके घर में घूम रहा हूँ, अगर उनको पता चला गाइज कच्चा चबाएंगे भाई, बट गाइज मैं उनको यही कहना भाई धूप निकल चुकी है गाइज वाव, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ भाई मुझे भी गैंग में ले लो अपनी, भाई तबाही मचाएंगे खतरनाक वाली। तो ये है उनका हाउस, तो यहाँ से वो कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और ये है उनका वॉशरूम जहाँ पे, ओ गाइज क्या लग्जरी वॉशरूम है, ये उन्होंने अपना ये घर खरीदा था, पता नहीं कितने का, 8 मिलियन का या 5-7 मिलियन का घर खरीदा था पूरा, यही है पूरा का पूरा घर, यहाँ से आप लोग कपड़े वगैरह यहाँ से उन्होंने वो चेंज कर सकते हैं,
वाओ। तो अब चलते हैं गेमिंग रूम पे, जहाँ पे टेक्नो गेमर का गेमिंग रूम है, वहाँ पे गीगा निगा और रवि भाई के लिए वहाँ पे रहने का सिस्टम बनाया था उन्होंने, जो कि है यहाँ पे। शायद मेरे हिसाब से यही है उनका गेमिंग रूम, मेरे हिसाब से ये है उनका गेमिंग रूम, जहाँ पे वो गीगा निगा और ये लोग यहाँ पे रहेंगे, रवि भाई, मतलब कि यहाँ पे बिछा के यहाँ पे सो सकते हैं। हमको मौका मिला तो गाइज हम भी, चलो हम भी यहीं पे रह लेंगे। तो ये गेमिंग रूम है, अगर हम लोग उनकी गैंग में जाएंगे तो गाइज हम लोग इसी रूम में रुकने वाले हैं या फिर उनके साथ, वो तो सिस्टम बन जाएगा। बट आप लोग इनका गेमिंग रूम देख सकते हो, गेमिंग रूम भी बहुत बढ़िया है। कंप्यूटर ऑन ही रखे हुए हैं, क्या बात है। अभी अभी मुझे लगता है GTA 5 की वीडियो बन रही होगी, मुझे लग रहा है GTA 5 का एपिसोड जल्दी आने वाला है क्योंकि कंप्यूटर्स ऑन है भाई। तो GTA 5 की सीरीज का एक न्यू ऑफिस एपिसोड जल्दी आने वाला है टेक्नो गेमर का, क्योंकि हमारी बातचीत हो चुकी है टेक्नो गेमर के साथ, उन्होंने कहा है कि वो अपना एपिसोड जल्द ही फेंकने वाले हैं, जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग थोड़ा इधर देखो, उनके पीसी ऑन है, देख सकते हो आप लोग उनके पीसी ऑन है, मतलब कि GTA 5 की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, बट एडिटिंग बची है, काम होने वाला है भाई। तो जल्दी आने वाली है GTA 5 का एपिसोड, जल्दी से हम लोग चलते हैं इस घर से बाहर, क्योंकि हम लोग भाई उनसे घर के अंदर घूम रहे हैं और इनका रूम भी मैंने दिखा दिया था। ऑल राइट गाइस, हम लोग टेक्नो गेमर के घर के बाहर आ चुके हैं। तो ये था उनका पूरा का पूरा घर। यहाँ पे गैराज भी है, यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि हम लोग खोल नहीं सकते गैराज को, वैन भाई एक्सीडेंटली भाई यहाँ पे कोई आ जाए, मतलब कि टेक्नो गेमर आ जाए तो भाई मज़ा आ जाए, बातचीत हो जाए हमारी, तो नेक्स्ट लेवल। वैन ये था उनका पूरा का पूरा घर, आप लोग देख सकते हो। वैन आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। हम लोग असासन फैमिली के हाउस पे भी गए थे, गाड़ी भी ली थी उनसे, रॉल्स रॉयल्स मिली थी, फ्यूल खत्म हो चुका था, उनके भी घर गए थे असासन के। टेक्नो गेमर का हाउस भी मैंने आपको दिखा दिया है, और अब बचा है डेट्रेक्स का हाउस। डेट्रेक्स का हाउस दिखाएंगे, बट उन्होंने अभी रिवील नहीं किया है, अभी शायद लिया नहीं होगा। वैन अभी अभी नए आए हैं लॉस सैंटोस से, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। वैन आपको मैंने उनका हाउस दिखा दिया, वैन अभी हम लोग यहीं पे वेट करूंगा मैं। वैन अगर वो आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, और अगर उनकी गैंग में हम लोग शामिल हो गए तो भाई अल्ट्रा लेवल के मजे आने वाले हैं भाई, मजा आ जाएगा। तो वैन वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ये ग्रैंड आरपी कब एपिसोड आपको कैसा लग रही है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्नो गेमर के साथ आ सकते हैं। वैन हम लोग मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय।